फगवाड़ा दी ध्यान सिंह कलोनी विच उस समय हफड़ा तफड़ी मच गई जदों इत्थे एक गटर टाइप टोए विच एक गां डिग गई। जानकारी अनुसार प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह ने इस गां नूं वेख्या तां उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी सतनामपुरा पुलिस नूं दित्ती, जिन्हां ने थाना मुखी उषा राणी की अगवाई विच मौके ते पहुंच स्थानक लोगों की मदद नाल गां नूं करीब 2-2.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत तो बाद बाहर कढ़िया। जिक्रयोग है कि घटना वाली थां ते कोई निर्माण कार्य चल रहा सी। जो मैं मिस्त्रियों के कोल खड़ा सी तो मैं देखा कि एक कोई जानवर है जिसकी एक लैग उपर सी तो बाकी सारा शरीर नीचे से। तो फिर सडनली दिमाग के आया कि इन्हें जरूर रेस्क्यू करना चाहिए। पर इतने जिते मैं शाबाशी देना चाहवागा कुछ अपने पत्रकार वीरां नूं, नाल ही उन्होंने इंस्टेंट रिस्पोंड दिखाया तो नाल साथी उन्होंने मिलाया उन्होंने ते नाल उषा मैडम उन्होंने मैं की नाके ते खड़े से उन्होंने भी नाल अपनी पूरी टीम लैके पहुँचे। बट मैं उस तो पहले 10 जने नूं फोन कर चुका से जिन्हें भी रेस्क्यू काउ रेस्क्यू एनीमल्स या रेस्क्यू करते हैं फगवाड़ा के, किसी ने भी नंबर नहीं चुकया कि एटलीस्ट अगर तुम नंबर दिता है तो तुम्हें जरूर मौके पर आके इन चीज़ों बेजवान जोड़े जानवर ने उन्हें ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैं फिर सारे टीम का खास करके अपने साथी होना पत्रकार वीर होना जिन्होंने इंस्टेंट रिस्पोंड किया नाल उषा जी का SHO सतनामपुरे नाल अपने साथियों का जिन्होंने पूरी अपनी टीम के नाल आके टाइम से तकरीबन 1.5-2 घंटे के रेस्क्यू करने मदद की। और मैं राजेंद्र शर्मा गुड पंजाब संगठन का प्रवक्ता, मैं पहला तो प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना और बड़ा इन्हां लई परमात्मा तो असीं दुआ मंगने कि इदां दे इंसान धरती ते परमात्मा ने भेजे ने जिहड़े बेजवाना का भी दर्द जरा बंडन लई अपना टाइम लाते हैं। उस तो बाद जी साड़ी SHO सतनामपुरा साढ़े SHO मैडम जी है वो पूरा स्टाफ और पूरा जवान साढ़े जोड़े 1.5-2 घंटे तकड़ी मेहनत करके उस जीव में बाहर कढ़न दे विच उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिता। असी सारी पब्लिक वालों सारे फगवाड़े वालों असी मैडम का तहे दिलों धन्यवाद करने हैं। तो मौके ते पहुंचे मैडम उषा राणी ने दस्या कि किवें पुलिस ने स्थानक लोगों की मदद नाल गां नूं बाहर कढ़िया अते नाल ही उन्हां अपील कीती कि जिहियां थावां नूं खुल्या ना छड्डिया जावे ता जो कोई भी अणसुखावीं घटना ना वापर सके। असीं हजे वार नाके ते खड़े सी कि सानूं प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह साडे कोल आए कि ध्यान सिंह कलोनी दे विच इक गटर टाइप चीज़ बनी हुई है तो उहदे विच जिहड़ा गां उह डिग्गी हुई है। तो असी मौके पर पहुँचे से बाकी सारे इतों के आले दुआले के वसनीकों असी कॉल की प्लस काफ़ी ज़्यादा सज्जनों ने साड़ी मदद की तो असी गां नूं जिहड़ा कढ़न दे विच कामयाब हो गए हैं सक्सैसफुल हो गए हैं। तो गां इह जे खड्डियां दे विच पई है जिहड़े भी इत्थे दे मेरी अपील है लोगों नूं जिहड़े भी इत्थे जिहड़े प्लॉट्स वगैरह बने हुए ने जिन्हां ने अपनी जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है वह अद्धी कीती हुई है वह काइंडली इस चीज़ का बहुत ध्यान रखन कि जानवर जिहड़े फालतू जिहड़े घूमते फिरते हैं तो उन्होंने जानवरों नहीं पता कितने जाना कितने नहीं जाना तो वो विचकार डिग जाते हैं। सो काइंडली अपनी जी कंस्ट्रक्शन है उन्होंने प्रॉपर तरीके करवाया जाए ता कि यह जो जानवर है वह भी चीज़ों के फस ना सके। तो इन सारे वसनीकों का जोड़े भी इतने मौके पर आए थे उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। फगवाड़ा तो यश शर्मा की रिपोर्ट। फगवाड़ा के आशु की हट्टी का खुला चैलेंज जितों थानू मिलने शहर में सब तो सस्ते रेट से सूट लहंगे साड़ियाँ प्लाजो। आशु की हट्टी का एक ही वादा थानू मिलने वधिया क्वालिटी के कपड़े पर रेट नहीं होगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशु की हट्टी ओपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।